हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अवेयर इन्फो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और नए बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपने मोबाइल की हेल्प से ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो आप कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि जनरली देखा गया है दिल्ली के अंदर जितने भी लोग हैं बिजली के नए कनेक्शन के लिए बिजली दफ्तर या बिजली ऑफिस विजिट करते हैं और वहाँ से फिजिकली डॉक्यूमेंट को सबमिट करके न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन नए रूल के अकॉर्डिंग आप अपना बिजली का कनेक्शन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ में अपलोड करने होंगे और जो आपका कनेक्शन होगा विद इन 15 डेज लग जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल की हेल्प से ऑनलाइन घर बैठे बैठे कैसे न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि कैसे आप न्यू कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल की हेल्प से। तो आपको अपने फ़ोन में क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, देन आपको सिंपली सर्च बार में जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा BSES दिल्ली। BSES दिल्ली सर्च करने के बाद से कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है BSESDelhi.com, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा और इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं BSES की वेबसाइट का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और ऊपर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, BSES राजधानी पावर लिमिटेड और BSES यमुना पावर लिमिटेड। तो आपके एरिया में जो भी कंपनी यहाँ पर बिजली प्रोवाइड करती है, तो सिंपली आपको उसे सेलेक्ट करना होगा, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो मेरे एरिया में जो यहाँ पर बिजली सप्लाई करने की कंपनी है वो BSES राजधानी पावर लिमिटेड है, तो मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूँगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, तो आप देख रहे होंगे हम BSES राजधानी के पोर्टल पर आ चुके हैं। इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पर जो थ्री लाइन्स दिख रही है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू कनेक्शन का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। न्यू कनेक्शन पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर आपको पांच ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डोमेस्टिक, नॉन डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और सोलर रूफटॉप, नॉन मीटरिंग। तो अगर आप अपने घर के लिए यहाँ पर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप डोमेस्टिक वाला ऑप्शन रहने देंगे, अगर आप नॉन डोमेस्टिक लेना चाहते हैं तो आप सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, अगर आप किसी फैक्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंडस्ट्रियल पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ से डोमेस्टिक यानी कि घर के लिए कनेक्शन लेना चाहता हूँ, तो सिंपली डोमेस्टिक वाला ही ऑप्शन रहने दूंगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू कनेक्शन और गाइडलाइंस फॉर मीटर इंस्टॉलेशन। तो आपको सिंपली अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू कनेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर से कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन होएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको करना क्या होगा, अगर आप न्यू हैं इस वेबसाइट पे, इस पोर्टल पे, तो आपको सिंपली न्यू यूज़र पे क्लिक करना होगा। न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, कुछ इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, आप यहाँ देख रहे होंगे कुछ स्टेप आपको दिए गए हैं जिसे आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आपका कनेक्शन अप्लाई हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना डिवीज़न सेलेक्ट करना होगा, डिवीज़न के लिए सिंपली आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना होगा। सेलेक्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर जितने भी यहाँ पे BSES राजधानी पावर लिमिटेड के डिवीज़न है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग डिवीज़न आपका कौन सा लगता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, अपना यूज़र नेम यहाँ पे टाइप करना होगा। यूज़र नेम आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन करके बनानी है, जैसे मैं यहाँ पे Manish123 कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको भी अपना यूज़र नेम क्रिएट कर लेना होगा। उसके बाद से आपको अपने यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड को कंफर्म करना होगा, देन आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद से कुछ इस तरह से एक इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। OTP एंटर करने के बाद से आपको सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करना होगा। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, आप देख रहे होंगे सक्सेसफुली हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं, हमने यहाँ पर प्रोसेस जो है कम्प्लीट कर लिया है। अब आपको करना क्या है, सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे प्रोविजनली असेसमेंट ऑफ लोड अवेलेबिलिटी फॉर EV चार्जिंग स्टेशन इन BRPL डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेलेक्ट का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, न्यू कनेक्शन अप टू 10 kW, न्यू कनेक्शन फॉर 10 kW टू 44 kW, न्यू कनेक्शन फॉर GCC अप टू 44 kW, न्यू कनेक्शन फॉर। तो आप जिस भी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे कनेक्शन लगवाना चाहते हैं आपको सिंपली वो सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे डोमेस्टिक कनेक्शन ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे अप टू 10 kW तक का ही ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, गो पे क्लिक करना होगा।
गो पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर से कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे आपको 7 स्टेप देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको लोकेलिटी नेम टाइप करना होगा यहाँ पे, तो इसमें मेनली आपको अपना एड्रेस टाइप करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से अपना एड्रेस टाइप करते हैं। उसके अलावा आप यहाँ देख रहे होंगे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, डिवीज़न है, ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद से टाइटल में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा मिस्टर मिसिस मिस्टर। उसके बाद से फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, रिलेशन टाइप, फादर नेम, हस्बैंड नेम, ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन में आप क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे से कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे डेट ऑफ एनिवर्सरी सेलेक्ट करना कंपलसरी नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे डिटेक्ट हो गया है, आपको इसे ऐसे ही रहने देना है। आपका ईमेल आईडी भी यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद से अगर आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद से आपको सिंपली सेव एज अ ड्राफ्ट पे क्लिक करना होगा। आपकी डाटा यहाँ तक सेव हो चुकी है, अब आपको सिंपली क्रॉस करके इसे रिमूव करना होगा। देन आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले आप एक बार चेक कर लें जो भी आपने डिटेल यहाँ पे फिट करी है वो सही है कि नहीं। तो आप देख रहे होंगे हम यहाँ पे सेकंड पेज पे आ चुके हैं। यहाँ से आपको अपना हाउस नंबर, फ्लोर नेम, बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट, कॉलोनी, एरिया का नाम, लैंडमार्क, अपने एरिया पिन कोड एंटर करने के बाद से ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आपको ऐसे ही रहने देना है, इसे स्किप कर देना है। उसके बाद से आपको सिंपली यहाँ पे कंसेंट देना है, बिलिंग एड्रेस आपको सेम ही रखनी है। देन आपको नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको सेव एज अ ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप देख रहे होंगे हम यहाँ पे थर्ड पेज पे आ चुके हैं। यहाँ से आपको क्लास ऑफ प्रेमाइज कैटेगरी इसके ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन बहुत सारा शो हो जाएगा, जैसे कि एग्रीकल्चर, CGHS, स्टेयर केस, DMRC, DBV, स्टाफ डिस्काउंट टैरिफ, DXN DJJ। तो इस तरह से आपको बहुत सारा ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आप घर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको नीचे आना होगा और डोमेस्टिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कनेक्शन टाइप, इसके ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको BSC एम्प्लॉय, CGS, DDA जनरल कैटेगरी। तो अगर आप दिल्ली के अंदर किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना होगा। उसके बाद से यहाँ पे देख रहे होंगे लोड टाइप आपको दिया हुआ है सेलेक्ट करने का, किलोवाट में और किलोवाट एम्पियर में दिया हुआ है, तो आपको किलोवाट ही रहने देना है। और लोड टाइप में आपको 1 किलोवाट सेलेक्ट करना है। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर आपके घर में ज़्यादा लोड है तो आप इसे 2 किलोवाट, 3 किलोवाट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से न्यू कनेक्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा परमानेंट कनेक्शन और टेम्प्रोरी कनेक्शन, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका न्यू बिल्डिंग बन रहा है, घर बन रहा है, तो आपको यहाँ पर टेम्प्रोरी कनेक्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपका घर बन चुका है और परमानेंट के लिए आप मीटर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इससे परमानेंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टाइप ऑफ एरिया, आपका एरिया जिस भी कैटेगरी में आता है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टाइप ऑफ प्रेमिसेस, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑन, रेंटेड, कंपनी प्रोवाइडेड और गवर्नमेंट प्रोवाइडेड और अदर। तो अगर आप खुद के लिए कनेक्शन लगवा रहे हैं तो आपको ऑन रहने देना है। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो आप रेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है कनेक्शन तो कंपनी चूज़ करना है, तो मैं इसे सिंपली ऑन रहने दूंगा। उसके बाद से बिलिंग टाइप में आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना होगा और प्रीपेड और पोस्टपेड आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको पोस्टपेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और बिलिंग टाइप में आपको पोस्टपेड ही रहने देना है। उसके बाद से आपको मीटर चॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको 2 ऑप्शन शो हो जाएगा, BSES मीटर और एप्लीकेंट्स मीटर, तो आपको सिंपली से BSES मीटर ही रहने देना है। उसके बाद से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वोल्टेज लेवल का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। LT, HT और EHV आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको सिंपली LT वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद से आपको फेज़ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको कितने फेज़ का कनेक्शन लेना है, तो मैं यहाँ पे एक ही फेज़ रहने दूंगा। उसके बाद से आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर, ये सारी चीज़ यहाँ पर एंटर करनी होगी। उसके बाद से पर्पज़ फॉर न्यू कनेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप कुछ टाइप कर सकते हैं कि आप न्यू कनेक्शन क्यों लेना चाहते हैं। उसके बाद से अगर आपके पास GST नंबर अवेलेबल है तो आप उसे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद से अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप हम देख रहे होंगे UPIC नंबर अवेलेबल, तो अगर आपके पास ये नंबर है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे। उसके बाद से आपको यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड यानी कि UPIC नंबर है तो आप इसे यहाँ पे टाइप करेंगे, अदरवाइज आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी नंबर है तो आप उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ELCB इंस्टॉल्ड, इंस्टॉलेशन ऑफ ELCB इज मैंडेटरी फॉर 2 किलोवाट एंड अबव कनेक्शन, तो आप इसे नो कर देंगे। उसके बाद से आपको सिंपली सेव एज अ ड्राफ्ट पे क्लिक करना होगा।
सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद से कुछ इस तरह से एक नया पेज देखने को मिलेगा और हम यहाँ पे पेज नंबर 4 पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे फोटो प्रूफ एंड सिग्नेचर, जिसको आपको अपलोड करना होगा। यहाँ से सेलेक्ट करके फोटो एंड सिग्नेचर चूज करने के बाद से आपको सिंपली अपलोड पे क्लिक करना होगा। अपलोड पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ पे फोटो जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। उसी तरह से आपको यहाँ से अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है अपलोड पे क्लिक करके। तो आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर दोनों सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद से आपको फिर से सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना होगा ताकि आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे सेव हो जाए। क्रॉस करके रिमूव करना होगा, देन आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो गया है और हम यहाँ पे पेज नंबर 5 पे आ चुके हैं और यहाँ पर अब आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। और डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, चलिए मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, तो यहाँ पे एनीवन इन पीडीएफ फॉर्मेट, तो आपको अपना एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लगाना होगा। और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल ही रहने देंगे, अगर आप कंपनी के लिए लगा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगा रहे हैं, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे, अदरवाइज आप इसे ऊपर वाला ऑप्शन पर ही रहने देंगे। और डॉक्यूमेंट चलिए हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो उसमें है सबसे पहले आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड यानी कि वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, उसके अलावा आप यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी, उसके अलावा राशन कार्ड है आपके पास, तो इनमें से कोई भी अगर एक डॉक्यूमेंट है तो आप उसे लगा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए तभी वो यहाँ से अपलोड हो पाएगा। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, चूज़ फाइल पर क्लिक करना होगा। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल पर जाएंगे और यहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना होगा। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद से आपको सिंपली फिर से अपलोड पे क्लिक करना होगा। अपलोड पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। उसके बाद से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे जो सेकंड डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जा रहा है वो है अंडर ऑनरशिप प्रूफ, और ये भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करना होगा। तो इसमें सबसे पहले है सब डिविजन एग्रीमेंट, उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे होंगे अलॉटमेंट लेटर, पोजेशन लेटर। तो सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ से अपने प्रॉपर्टी पेपर को अपलोड करना होगा। और बात करें यहाँ पे आपको अपने प्रॉपर्टी पेपर के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, तो उसमें आपको अपना फर्स्ट चैन लगानी होगी जिसमें बायर और सेलर के एग्रीमेंट होंगे, और उसके अलावा आपको अपने प्रॉपर्टी पेपर का सेकंड चैन भी लगाना होगा। और इन दोनों चैन की आपको फोटो कॉपी करानी होगी। फोटो कॉपी कराने के बाद से आपको इसके ऊपर अपना सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर करने के बाद से प्रॉपर्टी पेपर की मेन चैन की फोटो लेनी होगी, सेकंड चैन की फोटो लेनी होगी, और इसे आपको पीडीएफ में सिंपली कन्वर्ट कर लेना होगा। और पीडीएफ जो आपकी होगी यहाँ पे मैक्सिमम 5 MB तक की हो सकती है, अगर ज़्यादा एमबी की पीडीएफ आपकी जाती है तो आप उसे सिंपली कंप्रेस कर सकते हैं कंप्रेसर से। और पीडीएफ कंप्रेसर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आपको सिंपली पीडीएफ को क्रिएट कर लेना होगा। पीडीएफ को क्रिएट करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, चूज़ फाइल पर क्लिक करना होगा। चूज़ फाइल पर क्लिक करके उस पीडीएफ को सेलेक्ट कर लेना होगा। पीडीएफ सेलेक्ट करने के बाद से आपको सिंपली अपलोड पर क्लिक कर देना होगा। अपलोड पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे तो आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी पेपर भी सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। उसके बाद से आपको करना क्या होगा, सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और इस कैटेगरी के अंदर उन लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिनका यहाँ पर प्रॉपर्टी किसी और के नाम से है और मीटर वो अपने नाम से लगवाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जो प्रॉपर्टी आपके फादर या मदर के नाम से है और कोई उनका बेटा है, सन है या डॉटर है, वो अपने नाम से कनेक्शन लेना चाहती हैं, तो इस सेक्शन के अंदर आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। और अदर डॉक्यूमेंट यानी कि फोर्थ ऑप्शन में आपको एक NOC अपलोड करनी होगी, और NOC वाले डॉक्यूमेंट का PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली उस PDF को डाउनलोड करना होगा, प्रिंट आउट निकालना होगा और उसमें अपनी डिटेल फिल करनी होगी, सिग्नेचर करवाना होगा अपने फादर से या जिनके भी नाम से प्रॉपर्टी पेपर हो उनसे सिग्नेचर करवाना होगा, और चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना होगा। तो यही मेन काम था यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, इसके अलावा आपको कोई भी अदर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होगा। उसके बाद से आपको सिंपली नीचे आना होगा और सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना होगा। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, फिर क्रॉस करके इसे रिमूव कर देंगे। उसके बाद से आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे से आप क्लिक करेंगे, आप देख रहे होंगे हम पेज नंबर 6 पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएगी, और इसके अंदर जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम, उसके हस्बैंड, उसके फादर का या हस्बैंड का नाम और जो आपका एड्रेस है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और आप एक बार वेरीफाई कर ले जो भी अपने डिटेल यहाँ पर फीड करिए वो सही है कि नहीं, देन आपको सिंपली करना क्या होगा, स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए सिंपली आपको नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको कंसेंट देनी होगी। कंसेंट देने के बाद से आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से आप देख रहे होंगे हम पेज नंबर 7 पे आ गए हैं
और यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन फिर से देखने को मिल जाएगी। फिर से आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको एक कंसेंट देनी होगी। कंसेंट देने के बाद से आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे तो आप देख रहे होंगे हमने यहाँ से सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया है और यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर नंबर है वो भी यहाँ पे आ चुका है। सर्विस ऑर्डर नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये हमारी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है और यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेंट नेम, डिवीज़न, मोबाइल नंबर, बीपी नंबर, सारी चीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको सिंपली करना क्या होगा, नीचे आना होगा और यहाँ पे आपको प्रिंट पे क्लिक करना होगा। प्रिंट पे ऐसे आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको सिंपली पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सेव करके रख लेना होगा और आपके घर पे 1 से 2 दिन में इसकी वेरिफिकेशन होगी। और वेरिफिकेशन जैसे यहाँ पे आपका हो जाता है, आपके घर पे मीटर का नया कनेक्शन यहाँ पे लग जाएगा। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरते भरते कभी लॉग आउट हो जाए या सेक्शन एक्सपायर हो जाए तो उस केस में आपको सेम प्रोसेस फॉलो करके लॉगिन वाले पेज पे जाना होगा और यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड को टाइप करना होगा और सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप देख रहे होंगे फिर से कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो गया है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमारा यहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। और इस साइड में आएंगे तो एक्शन बटन के नीचे आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप फाइल को यहाँ से रिज्यूम कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको एडिट पे क्लिक करना होगा। एडिट पे क्लिक करेंगे आप देख रहे होंगे फाइल जो हमारी है फिर से रिज्यूम हो गई है और इसमें सारी डिटेल यहाँ पे हमारी जो पहले थी वो आपको देखने को मिल जाएगी। आपको फाइल को दोबारा से फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं अगर आप लॉगआउट यहाँ पे हो जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रोसेस रहने वाला है न्यू मीटर कनेक्शन को अप्लाई करने का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।